दोस्तों लेटेस्ट जो अपडेट बिग न्यूज यहाँ बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी कोई एक्सटेंशन इस रूल को, यानी जो सोशल मीडिया बैंड वाला जो न्यूज है उस पर कोई एक्सटेंशन देने का बात नहीं किया, और फेसबुक और गूगल की तरफ से आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इस वीडियो में बने रहिए, इन तक आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो बंद होने वाला जो अपडेट था, न्यूज लास्ट डे काफी सर्कुलेट हुआ था उस पर एक अपडेट आ चुका है। और जी हाँ, फेसबुक और गूगल की तरफ से ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट भी आए हैं, वो इस वीडियो में मैं बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट तो करूंगा, चैनल पर अगर आपने यह वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर जरूर से कीजिए, और चैनल पर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको फीडबैक देना चाहिए या सजेशन देना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों बात कर रहे हैं, जैसा हमने बताया कि सोशल मीडिया के अपडेट के बारे में, तो यहाँ पर लास्ट डे हम लोगों के पास ऐसा इन्फॉर्मेशन निकला था जो कि आपको बता रहा था कि सोशल मीडिया बंद हो सकते हैं आने वाले दो दिनों के बाद। अगर बात करता हूँ डेटा की, तो यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि 53 करोड़ का व्हाट्सअप का यूज़र है, 44.8 करोड़ का यूट्यूब का यूज़र है, और साथ ही अगर फेसबुक की बात करते हैं तो 41 करोड़ है। अगर बात करते हैं इंस्टाग्राम एंड आपको ट्विटर की, तो यहाँ पर आपको 21 करोड़ और साथ ही 1.75 करोड़ का यूज़र बेस्ड है। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये इस बेसिस पर है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि फेसबुक का जो स्पोक पर्सन है उन्होंने ऐसा इंटीमेट किया है और ऐसा बात किया है कि वो आईटी रूल में बात कर रहे हैं और कुछ चीज़ों पर डिस्कस करके, और एक पॉसिबल आप बोल सकते हैं कि एक रूल और वे आउट निकालना चाहते हैं, ये सारे जो मैंडेटरी आपके बोला जाता है रूल के ऊपर। इसके अलावा गूगल के जो स्पोक्स पर्सन है वहाँ पर भी एक कमिटमेंट किया गया है कि हम गवर्नमेंट के साथ बात करेंगे और आपको एक नॉर्मल जो पॉइंट है वहाँ पर आके हम लोग ये सारे जो रूल है उसको कंप्लायंस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि सिंपल सा ये रूल इसलिए लागू है कि अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पर 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर यूज़र हैं तो उसको कुछ रूल्स को मानना होगा। लाइक अगर कुछ ऐसा मैसेज या कुछ ऐसा आर्टिकल या कुछ ऐसा वीडियो, ऐसा चीज़ निकला है जिसमें इल्लीगल चीज़ें हैं, अनवांटेड, अनइथिक, एथिकलेस का जो कंटेंट होते हैं उसको 24 आवर्स में रिमूव किया जाएगा, और साथ ही अगर उसका अगर सोर्स मालूम करना चाहे तो भी आपको बताना होगा। तो इस तरीके का रूल था जिस पर कंपनी बातें कर रही हैं। अभी भी जो फेसबुक एंड गूगल की तरफ से ऑफिशियल कमिटमेंट हो चुका है कि बात कर रहे हैं और पॉसिबल वे में निकाल के आपको कोई नया रूल बनाएंगे या नया रूल के साथ उसमें कंप्लायंस करेंगे साथ ही। लेकिन व्हाट्सअप एंड अगर आप बात करते हैं ट्विटर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं है कि वो ये रूल के ऊपर क्या अपना व्यू रखे हैं। बट बात ऐसा है कि आज नहीं तो कल आपको तो करना होगा, और ये है कि ये जो कंप्लायंस है ये मैंडेटरी हो गया है। और गवर्नमेंट, जी हाँ सबसे बड़ा बात है, जो गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करने का मूड में एकदम नहीं है, तो मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट अपना जो रुख है साफ करके रखा है कि भाई हम तो यही चाहते हैं, अब आप आइए बात करिए, कुछ ऐसा पॉइंट पर आकर डिस्कस करके सेटल किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट था, और लेटेस्ट अपडेट में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि फेसबुक और गूगल दोनों बात कर रहे हैं और होपफुली जल्दी से कुछ ना कुछ कमिटमेंट करके ये रूल को इम्प्लीमेंट करेंगे। और सिंपल सा बात मैं बता दे रहा हूँ आपको वन लाइन में कि ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये बंद नहीं होंगे, कुछ मिडवे निकलेगा रूल और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैं मिलूंगा किसी और एक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय, बी सेफ।